हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर और हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पार्ट नंबर 6। सभी अपनी किताबें निकाल लीजिए। वेरी गुड, चलिए निकालिए पार्ट नंबर 6, जिसका नाम है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। सर्वनाम हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी चीजों के नाम होते हैं, परंतु हम बार बार उन्हें ना बोलकर उनके स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कितना आसान है, चलिए फिर से देखते हैं। विशेष, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। चित्रों को देखकर वे वाक्यों को पढ़कर समझिए। चलिए बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हें देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। रोहन, तुम टेलीविजन पर क्या देख रहे हो? पापा, मैं कार्टून देख रहा हूँ। मम्मी, हम भी मेला देखने जाएंगे। बच्चों, हमने तीन लोगों की तीन बातें पढ़ी। चलिए देखते हैं क्या दिए गए वाक्यों में एक ही नाम को बार बार ना बोलकर उनके स्थान पर मैं, तुम व हम शब्दों का प्रयोग किया है। इन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। कितना इजी है। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। अंडरलाइन द प्रोनाउन बाय रीडिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मोहन एक अच्छा लड़का है। ऋचा उसकी बहन है। उसके पिता डॉक्टर है। वह उसकी मम्मी अध्यापिका है। वह अपने सभी कार्य समय पर करता है। वह रोजाना विद्यालय जाता है। इसमें बच्चों हमने क्या पढ़ा? मोहन एक अच्छा लड़का है, ऋचा उसकी बहन है, फिर हमने पढ़ा उसके पिता डॉक्टर है। बच्चों देखिए, इस इन दो लाइनों में उसकी, उसके, वे, वह और वह जो शब्द हुए हैं इस्तेमाल, वो कौन से हैं? वे क्या है? वे सर्वनाम है। किसके लिए प्रयोग हुए हैं? वे मोहन के लिए। मोहन का नाम बार बार ना लेकर हमने सर्वनामों का प्रयोग किया है ताकि भाषा सुंदर लगे। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, अब हमने उसका नाम नहीं लिया बार बार। ऋचा उसकी बहन है, उसकी यहाँ पर सर्वनाम है। चलिए इसी तरह सर्वनामों का प्रयोग होता है, हम आगे देखते हैं सर्वनाम के प्रयोग। Uses of pronoun, अपने लिए। अपने लिए कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? मैं, हम, मुझे, हमें, मेरा, हमारा आदि। तो तस्वीरें देखिए बच्चों। मैं विद्यालय जा रहा हूं। हम खेल रहे हैं। अब करने की बारी। Now let's do। सही शब्द सुनकर रिक्त स्थान भरिए। Choose the correct word and fill up the blanks। चलिए बच्चों, जो blanks दिए गए हैं, ये आप घर से करके लाइएगा। जैसे मम्मी खाना बना रही है, इसमें क्या आएगा? उनकी या मेरी? मेरी मम्मी खाना बना रही है। ठीक है, इसी तरह से और दिए गए वो घर से करके लाइए। आगे देखते हैं। सुनने वालों के लिए। तुम, आप, तुम्हें, आपको, तुम्हारा, आपका आदि। बच्चों यहाँ दो तस्वीरें दी गई हैं, इन्हें देखिए। तुम पढ़ रही हो, आप अखबार पढ़ रहे हैं। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित वाक्यों को उचित सर्वनाम भरकर पूरा कीजिए, यानी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग द करेक्ट प्रोनाउन। पहला देखिए बच्चों, नहा रहे हो, इसमें तुम आएगा या मैं? तुम नहा रहे हो। मैं नहा रहे हो तो नहीं हो सकता, तुम नहा रहे हो। ऐसे ही आगे देखते हैं। अन्य व्यक्तियों के लिए। अन्य व्यक्तियों के लिए कौन से सर्वनाम होते हैं बच्चों? वह, वे, उसका, उनका, उन्हें आदि। ये दो तस्वीरें देखिए बच्चों, क्या हो रहा है इसमें? वह खा रहा है, वे सो रहे हैं। करने की बारी। नाउ लेट्स डू। उन सर्वनाम शब्दों को अलग अलग करके लिखिए जिनका प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए हुआ है। सेपरेट एंड राइट द प्रोनाउन विच आर यूज्ड फॉर अदर पर्संस। जैसे पहला देखिए बच्चों, उसका पेन टूट गया है, इसमें अन्य सर्वनाम क्या होगा? उसका। इसी तरह आप आगे भी करिए। निश्चित नामों के लिए, जैसे यह, ये, इसे, इसका, उनका, उन्हें,
आदि यह मुझे दीजिए। इसका नाम मिट्ठू है। ये होते हैं बच्चों निश्चित सर्वनाम। अनिश्चित नामों के लिए कोई, कुछ, किसी आदि। चाय में कुछ गिर गया। दरवाजे पर कोई है। प्रश्न करने के लिए देखिए कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। कौन, क्या, किस, किन है, किसे, किसका, किसने आदि। ये गिलास किसने तोड़ा? आप नाश्ते में क्या लोगे? आपका प्रयोग अधिकतर बड़ों के लिए होता है। तू और तुम का प्रयोग अपनों से छोटों के लिए करते हैं। पास की एक वस्तु या प्राणी के लिए यह तथा अधिक वस्तु या प्राणियों के लिए ये का प्रयोग करते हैं। दूर की वस्तु या प्राणी के लिए वह तथा अधिक वस्तु एवं प्राणियों के लिए वे का प्रयोग करते हैं। हाँ तो बच्चों हमने क्या देखा? आप सर्वनाम का प्रयोग कहाँ करते हैं? बड़ों के लिए। तू और तुम अपनों से छोटों के लिए। ना यह और ये वस्तु का प्रयोग बच्चों पास रखी वस्तु के लिए करते हैं। वह और वे का प्रयोग दूर रखी वस्तु के लिए करते हैं। चलिए सर्वनाम यहीं समाप्त होते हैं। आज जो भी पढ़ा उसे आप रिवीजन करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।